हरियाणा में जब से नई कैबिनेट बनी है तभी से मंत्री और विधायक खुद अलग अलग विभागों में छापामारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या छापेमारी से बीजेपी और जेजेपी सरकार चलेगी, या ये जो छापे मारे जा रहे हैं इससे सरकारी विभाग बदलेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता कुशवाहा और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल से लेकर गृह मंत्री अनिल विज, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और कई विधायक जो हैं छापामारी करते हुए नजर आए, और ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कुछ ज्यादा ही एक्शन मोड में आ गई है। सवाल यहां पर ये भी है कि क्या इस छापेमारी से समय पर पहुंचेंगे कर्मचारी और अधिकारी, या फिर सरकारी दफ्तरों में सुधार होगा, या केवल एक दूसरे की देखकर मंत्री और विधायक छापा मार रहे हैं। एक और चीज निकलकर सामने आई है, जैसा कि इस बार कैबिनेट में नए मंत्री शामिल किए गए हैं और गठबंधन की सरकार में अलग अलग विभाग सभी मंत्रियों के हिस्से आए हैं। वैसे देखिए, बेशक खुद के विभाग या उनके ऑफिस में काम हो रहा है या नहीं, या खुद की पावर उनके पास में है या नहीं, लेकिन अपनी पावर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार में वो भी बड़ा ओहदा रखते हैं, उनकी भी चलती है, यानी कहीं ना कहीं देखा देखी में सभी भेड़ चाल तो नहीं चल रहे। बताते हैं आपको किसने शुरू किया ये छापेमारी करने का सिलसिला। अब देखिए, नई सरकार जब से बनी है सबसे पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने छापा मारा था। डिप्टी सीएम ने गुरुग्राम के एक अस्पताल में ये छापा मारा। फिर लगातार खबरें गृह मंत्री अनिल विज की आने लगी। कई थाने पुलिस चौकी में छापा मारा गया। करनाल में नगर पालिका में भी विज ने छापा मारा और कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद फिर सीएम ने तहसील कार्यालय में भी कर्मचारियों को छापा मारकर सस्पेंड कर दिया। अब ताजा मामला भी आपको बताते हैं कि बिजली मंत्री रणजीत चौटाला की तरफ से पानीपत की थर्मल कॉलोनी में अचानक से ही छापा मारा गया। बाद में एक कॉन्फ्रेंस करके बिजली मंत्री ने विशेष तौर पर बताया कि हमने तो बिजली अधिकारियों को चोरी करते हुए पकड़ा है। सुनिए एक बार। थर्मल पानीपत का आप मेरे से पूछ रहे थे एक सवाल, काफी दिन से बड़ा हॉन्टिंग है। उसमें मैं गया था जी, वहाँ काफी लोग जो थे, वहाँ एक जिसे हम कहते हैं थोड़ा कि उन्होंने इनडायरेक्टली कनेक्शंस लिए हुए थे। इसके बाद मंत्री साहब ने सीएम से कार्रवाई करने की बात कही तो सीएम ने भी मीडिया के सामने बताया कि हमने तो जुर्माना लगा दिया है। सुन लीजिए ये बात भी। चार दिन हो गए हैं, हमारे पावर मिनिस्टर ने पानीपत में रात के समय एक औचक निरीक्षण किया था। कुछ अधिकारियों के घरों पर जाकर के देखा तो बिना मीटर के ही उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे। डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है कि अधिकारी भी इस प्रकार की अगर चोरी करेंगे तो आखिर बिजली की चोरी रोकने के लिए जनता को हम नहीं प्रेरित कर पाएंगे। तो इसलिए उन अधिकारियों पर सख्त एक कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया भारी। तीन चीफ इंजीनियर थे जिनके घर इस प्रकार का पार्टली उन्होंने मीटर लिए हुए थे और पार्टली उसमें से चोरी भी कर रहे थे, तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया तीन लोगों को, और ऐसे 6 जूनियर लेवल के जो लोग थे उनके ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। तो ऐसा अधिकारियों के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं। दरअसल बिजली मंत्री ने जो इल्जाम अधिकारियों पर लगाए हैं वो सही भी है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल बनता जा रहा है, क्योंकि बिजली मंत्री ने खुद बताया है, ध्यान से सुनिएगा, कि इन बिजली अधिकारियों के घर के अंदर बिजली मीटर तो लगे थे लेकिन घर के बाहर की जो लाइट का कनेक्शन था वो अवैध था। यानी जो घर के ऊपर लाइट लगी होती है, जिनकी आधी से ज्यादा रोशनी घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर जाती है, उनका कनेक्शन कॉलोनी की सड़कों पर लगी लाइटों से था। यानी मामले को समझिए कि मसला इतना बड़ा था नहीं जितना दर्शाया गया है। सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है और अधिकारियों ने घर के अंदर के बिल का भुगतान लगातार किया है, जिनके बिल भी उनके पास हैं, लेकिन सरकार अपना कंधा ऊंचा रखने की यहां कोशिशों में जुटी हुई है। अब देखिए, इसी मामले में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, क्योंकि बिजली कंपनी के सीएमडी शत्रुजीत कपूर की कार्यशैली पर यह कार्रवाई बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्योंकि देखिए, सीएम मनोहर लाल खुद हमेशा से ही सरेआम कई बार काम को लेकर शत्रुजीत कपूर की तारीफ करते हुए नजर आए हैं, तो फिर बिजली मंत्री को वो चोर कैसे नजर आ रहे हैं। अब अंदर की बात भी सुन लीजिए ध्यान से, वो भी
सूत्रों के मुताबिक ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बिजली मंत्री बिजली विभाग की जिम्मेदारी अपने किसी करीबी को दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री साहब जानते हैं कि बिजली कंपनी के CMD शत्रुजीत कपूर CM मनोहर लाल के काफी खास हैं, तो उनके रहते मंत्री साहब की चलने वाली तो नहीं है। लिहाजा बिजली अधिकारियों पर जो कार्रवाई हुई है, जो जुर्माना लगाया गया है, वो एक्शन कितना सही है, ये भी काफी बड़ा सवाल है। अब देखिए, सरकार बनने के बाद से ही जो ये छापेमारी करने का सिलसिला शुरू हुआ है। दरअसल इसकी शुरुआत मनोहर सरकार 1 में स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज ने की थी। सभी जानते हैं कि विज इस तरीके की छापेमारी करते थे, और अब उन्हीं की देखा देखी में बाकी मंत्री और विधायकों ने भी इस चलन को अपना लिया है, ताकि हम भी सरकार का हिस्सा हैं, ये वो बता सके। लेकिन सवाल अभी भी यहीं पर ये बड़ा खड़ा होता है कि क्या इन छापेमारियों से हरियाणा बदलेगा, अधिकारी कर्मचारी समय से आएंगे, क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म होगा, या सरकार केवल सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके की छापेमारी कर रही है। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में।